द लेबर मार्केट जी स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एलजब्रिक वर्जन ऑफ द आई एस एल एम मॉडल हमने थोरेटिकली ग्राफिकली नूमेरिकली आई एस एल एम और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल पर बात की है तो आज हम एलजब्रिकली ड्राइव करेंगे आई एस एल एम मॉडल तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं तीन मार्केट्स हैं लेबर मार्केट और एसेट्स मार्केट और गुड्स मार्केट तो हम हर मार्केट के डिमांड इक्वेशन ड्राइव करेंगे सप्लाई इक्वेशन ड्राइव करेंगे फिर डिमांड और सप्लाई की मदद से उस मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे हर मार्केट का अलग अलग इक्विलिब्रियम फाइंड करने के बाद फिर हम उनका जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे तो आज हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात स्टार्ट कर रहे हैं लेबर मार्केट से एलब्रिकली हम लेबर मार्केट का पहले डिमांड कर सप्लाई कर पर बात करेंगे और फिर हम उसके इक्ब्रियम पर बात करेंगे सो लेबर मार्केट में प्रोडक्शन फंक्शन वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए वाई इज़ द टोटल आउटपुट ओके ए प्रोडक्टिविटी के कैपिटल स्टॉक के लिए है एंड लेबर के लिए है ओके okay? सो वाई इज़ द फंक्शन ऑफ ए के एंड एन सो इफ़ यू होल्ड कैपिटल स्टॉक के जो है इसको अगर हम फिक्स ले लें तो ये हम एक स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की इसमें हमने के को फिक्स कर लिया इसलिए उसे ड्रॉप कर दिया इसमें से अब वाई जो है आउटपुट जो है ये टेक्नोलॉजी का फंक्शन है और लेबर का फंक्शन है और ये स्पेसिफिकेशन है कि ये लेबर पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं एफ़ वन जो है और एफ़ टू ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ओके सो आप जानते हैं कि लेबर डिमांड कर्व कहाँ से आता है मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर से आता है ओके सो फॉम की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि फार्म उतने यूनिट्स लेबर के डिमांड करें जहाँ पर उस आखिरी यूनिट की जो प्रोडक्ट है यानी माजम प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो मार्केट के वेच रेट के इक्वल हो जाए तो हम आजम प्रोडक्ट ऑफ लेबर फाइंड करेंगे ये प्रोडक्शन फंक्शन था ऊपर हमारे पास तो इसका जब हम आजिम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे आप जानते हैं इसका डेरीवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है माजम प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमने कैसे लिया वाई को डेरीवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एन ओके ए आ जाएगा एफ़ वन एन में से एफ वन डेरीवेटिव जब लेंगे और वन बाई टू एफ टू एन एफ टू एन स्केयर है सॉरी ये एफ टू एन एन टू नहीं है ये एन का स्केयर है तो इसका जब आप इस टर्म का जब आप डेरीवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन तो यू विल यू विल गेट दिस एफ टू टाइम्स एन ओके सो लेबर डिमांड अब क्या होगा इस मार्जिन प्रोडक्ट को दिस इज द मार्जिन प्रोडक्ट ओके और इसको हम वेज रेट के इक्वल करेंगे तो दिस इज योर लेबर डिमांड फंक्शन एंड डी फॉर लेबर डिमांड लेबर सप्लाई क्या लेबर सप्लाई आप जानते हैं कि लेबर सप्लाई जो है वो आफ्टर टैक्स रियल वेज का फंक्शन है डब्ल्यू इज द रियल वेज वन माइनस से जब आप उसे टी इज द टैक्स रेट तो वन माइनस को जब आप डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज द आफ्टर टैक्स रियल वेज तो ये एन डब्ल्यू पॉजिटिव कोफिशेंट है ये बता रहा है कि जब आफ्टर टैक्स रियल वेज में इजाफा होगा तो लेबर सप्लाई में इजाफा हो जाएगा ओके okay? और एन नॉट जो है ये उन तमाम फैक्टर्स को रिप्रेज़ेंट करता है जो वेज के अलावा बाकी वेल्थ फॉर एग्जांपल लेबर सप्लाई को अफेक्ट करती है वर्किंग एज पापुलेशन उसको अफेक्ट करती है तो ये एन नॉट उन उन तमाम फैक्टर्स जो अदर देन आफ्टर टैक्स रियल वेज हैं उन सब का इफ़ेक्ट जो है वो कैप्चर करता है सो दिस इज़ द लेबर सप्लाई ओके इक्लिब्रियम एकबरीम लेबर मार्केट का हमने लेबर डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन हमने ले ली तो इक्लिब्रियम कहाँ होगा जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा और इक्लिब्रियम लेवल ऑफ जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एन बार से सो so, ये जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक लेबर डिमांड और यानी ये एन डी की वैल्यू हम ओके okay, पुट कर देंगे और इसी तरह से एन एस की जगह हम एन बार पुट कर देंगे और इस इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये दो इक्वेशन हैं और इसमें आपके पास दो ही अन नॉन है दो ही वेरिएबल एक एन बार और दूसरा आपके पास डब्ल्यू एन बार इज़ द एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और W इज द रियल वेज तो दो इक्वेशन आप सिंपल एलियब्रिक का जो रूल है आप जानते दो हैं दो आर नॉन्स हैं दो इक्वेशन हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों तो आप इसको एलिब्रिकली सॉल्व करेंगे तो ये उसके आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे ठीक है ये डब्ल्यू है रियल वेज और ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल एन बार हो गया ओके सो so, और ये एन बार जब आप प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करेंगे एन बार की वैल्यू जो भी वैल्यू है तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ़ आउटपुट आ जाएगा जो आपकी एफ़ ई लाइन आई एस एल एम मॉडल में जो आपकी एफ़ ई लाइन बनती है ये वो वैल्यू आपके पास आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी सो हॉरिडेंटल इंटरसेप्ट आप जानते हैं कि जब आप एफ़ ई लाइन यहाँ पर आप आर लेते हैं यहाँ पर वाई लेते हैं तो ये आपके पास एफ़ ई लाइन होती है ना हम इसको थोरेटिकली और नूमेरिकली कई सारे हवालों से सा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं तो ये एक्चुअली एन बार की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे बाकी ए एफ़ वन और एफ टू ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी तो नॉन होंगी तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एफ ई लाइन जहाँ पर स्टार्ट होगी ओके सो अब हम देखेंगे एक्चुअली इन इक्वेशंस की मदद से ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू है वेज है एम्प्लॉयमेंट लेवल है आउटपुट लेवल है हम देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स इनको कैसे इफेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी में अगर चेंज आती है तो वो उसका रियल वेज पर क्या इफेक्ट होगा उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या इफेक्ट होगा उसका आउटपुट पर पर क्या इफेक्ट होगा और इसी तरह से अगर लेबर सप्लाई जो है लेबर सप्लाई में जो आफ्टर टैक्स रियल वेज है वो तो हम उसमें पहले शामिल कर चुके हैं उसके अलावा जो हमने बाकी फैक्टर्स देखे थे उनमें अगर चेंज आती है तो उनका फिर इन सब पर क्या असर होगा इसमें हम एक अधम्पन ले रहे हैं अधम्पन ये है कि एफ़ वन माइनस एफ़ टू एंड नाट इज पॉजिटिव ये अधम्पन क्यों हम ले रहे हैं इस अधम्प्शन को समझने के लिए दोबारा मैं वापस उस पर जाता हूँ बेसिकली ये 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 न्यूमिनेटर जो है ये हम कहते हैं कि न्यूमिनेटर ये वाला जो है दिस इज़ पॉजिटिव तो एक तो ये इंश्योर करता है कि आपका जो रियल वेज है ये पॉजिटिव रहेगा ठीक है इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट शुड बी पॉजिटिव तो एक तो इस बात को इंश्योर करता है और, और इससे भी पीछे अगर आप जाएं तो ये आपके पास माजम प्रोडक्ट थी ना ठीक है तो उसके नतीजे में हमें इससे में भी कि माजम प्रोडक्ट भी हमारी जो है ये पॉजिटिव होगी तो ये इन वजूहात की बिना पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी अधम्पन को कि ये अदम्शन जो है हमारी ये जस्टिफाइड है सो so, अब हम देखते हैं कि एन इनक्रीज इन प्रोडक्टिविटी जो है उसका इम्पेक्ट क्या होगा इक्बरीम रियल वेज पर क्या इम्पेक्ट होगा इनके इन प्रोडक्टिविटी से रियल वेज जो है उसमें इजाफा हो जाएगा रियल वेज में इजाफ़ा होगा तो आपके आपकेबरीम जो लेबर मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें इजाफा हो जाएगा एन बार ठीक है और उसके नतीजे में जब एन बार में इजाफा होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है ये उसमें इजाफ़ा हो जाएगा ये सारी चीज़ें थ्रेटिकली और बाकी कई सारे हवालों से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं लेकिन यहाँ अगर आप चाहें तो आप जस्ट इनके डेरिवेटिव्स ले लें मतलब तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम रियल वेज में इजाफा हो जाएगा इसको देखने के लिए जस्ट अगर आप इस रियल वेज की इक्वेशन पे चले जाएं और इसका विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव लें और आप देखेंगे कि अंडर वो जो अधम्पन हमने ली उस आदम्शन के तहत इस डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा और इसी तरह इस एन बार का विद रिस्पेक्ट टू ए आप डेरिवेटिव लेंगे जो मैथमेटिक्स में कैलकुलस से जो आप फेमिलियर हैं स्टूडेंट वो आसानी से ये काम कर सकते हैं थोरेटिकली भी हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं लेकिन नोमेरिकली कैलकुलस के ज़रिए से ज़्यादा ईजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि एन बार का डेरीवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे तो उसका साइन भी आपके पास पॉजिटिव आएगा और जब एन बार बढ़ेगा ए के बढ़ने से तो इसका मतलब ये है कि वाई में भी इजाफा हो जाएगा ए में इजाफे से प्रोडक्टिविटी में इजाफे से रियल वेज में इजाफा होगा इम्प्लॉमेंट लेवल में इजाफा होगा और फॉल इम्प्लायमेंट लेवल ऑफ आउटपुट में इजाफा हो जाएगा फॉल इंप्लाइमेंट लेवल ऑफ आउटपुट में इजाफे का मतलब ये कि आपकी कैफी लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी और सेकेंड हम देखना चाहते हैं कैन इंक्रीज इन एन द एन एस एन एस में इंक्रीज से मुराद है मैंने अभी बताया था कि वो फैक्टर्स जो अदर दैन रियल वेज ठीक है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है और बाकी इस तरह चीज़ें वो वो जब अफेक्ट होंगी तो उससे एन नॉट की वैल्यू आपके लेबर सप्लाई फंक्शन में चेंज हो जाएगी तो जब आपकी लेबर सप्लाई में इजाफा होगा तो उसके नतीजे में रियल वेज कम हो जाएगी सिंपल भी आप जानते हैं उस इक्वेशन से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं लेकिन सिंपल ये है कि जब भी किसी मार्केट uh, में सप्लाई का इजाफा होता है तो प्राइस कम हो जाती है तो लेबर सप्लाई में इजाफे से रियल वेज कम हो जाएगी ठीक है एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल के बढ़ने से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट में भी इजाफा हो जाएगा और एफी लाइन -E आपकी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी ओके सो so, आज हमने लेबर मार्केट को डिस्कस किया है अलजब्रिकली सो नेक्स्ट लेसन में फिर हम बाकी जो मार्केट्स हैं एसेट और गुड्स मार्केट और जनरल इकली पर बात करेंगे थैंक यू वेरी मच